जगदलपुर में तीसरे चरण के मतदान के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने भीषण गर्मी की परवाह ना करते हुए अपने मतदान के कर्तव्य को निभाया है। वहीं पीसीसी चीफ ने छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीट पर कांग्रेस के जीत का दावा भी किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी भाजपा से ज्यादा सीटें जीत रही है। दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने बदलाव के पक्ष में मतदान किया है। साथ ही दीपक बैज ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा खोखला साबित होने जा रहा है। भाजपा 150 तक पहुंचने से पहले ही हांफने लगी है। छत्तीसगढ़ के मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। छत्तीसगढ़ में पहला चरण, दूसरा चरण के बाद तीसरा चरण पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है और इससे स्पष्ट हो चुका है कि छत्तीसगढ़ में इस समय छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में मतदान किया है और कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। इस समय देश में नई सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी जुमले और झूठ की सरकार को छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया है। छत्तीसगढ़ की कुल 11 लोकसभा सीटों में इस समय कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें जीतकर आ रही है और देश में कांग्रेस की सरकार